हेलो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक कवर कर रहे थे और इसमें पिछले लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो इक्वेशंस हैं बर्नौलीज इक्वेशन, उनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि बर्नौलीज इक्वेशन होती क्या है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनमें हमने देखा कि क्या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो जब भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पी और क्यू जो हैं क्या होते हैं, या तो कांस्टेंट होते हैं या एक्स के फंक्शंस होते हैं। लेकिन अगर यहाँ राइट हैंड साइड पर अगर कोई ये वाई का फंक्शन एक्स्ट्रा हो तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं वो आप देखिए। यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन यानी कि इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन होती हैं वो बर्नौलीज इक्वेशन कहलाती हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो वाई का फंक्शन यहाँ पर है इसे हमें यहाँ से हटाना होता है। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वाई की पावर यहाँ पर है उससे दोनों ओर डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों ओर y की पावर n से हमने डिवाइड कर दिया, अगर यहाँ y की पावर n है तो। इसके बाद जो बीच में y की पावर बच जाती है उसको हम v सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और ऐसा सब्स्टिट्यूट करने से जो हमारी नई इक्वेशन v और x से बनती है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्चुअली में बर्नौलीज इक्वेशन वो इक्वेशंस हैं जो लीनियर में बदली जा सकती हैं, जो लीनियर में कन्वर्ट की जा सकते हैं। तो ये देखिए एक एग्जांपल करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं से आपको अच्छे से आइडिया लगेगा। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है डी दो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसमें और लीनियर में इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ अगर सिर्फ एक्स का फंक्शन होता तो ये इक्वेशन लीनियर होती, बट लेकिन यहाँ पर क्या है वाई का ये वाई स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा है जो हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो इसको हम यहाँ से हटा दें, इसको हटाने के लिए हम क्या करें दोनों ओर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों ओर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, टू अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक वाई की पावर यहाँ से कम हो जाएगी, नीचे वन अपॉन वाई बच जाएगा बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है बच्चों अपने को, इसके बाद हमें क्या करना है जो बीच में जो वाई का फंक्शन बचे उसे हमें v मान लेना है। तो यहाँ हमने माना माइनस, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से, हम चाहते हैं इसको लीनियर बनाना। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है कि जो बीच का जो फंक्शन बचा है यहाँ पर y, आप चाहें तो वन अपॉन वाई को v मान सकते हैं, हम चाहें तो माइनस वन अपॉन वाई को v मान सकते हैं, दोनों ही तरीके से ये इक्वेशन लीनियर में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हमने मान लिया माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू v। अब जब भी हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम उस सब्स्टिट्यूशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको भी हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अपन जानते हैं वन अपॉन वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन वाई का हो जाएगा प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। इस को काम में लेकर के हम ये जो इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स में है उसे डी वी अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा दो अपनी जगह रहा, और वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हमने लिखा डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस वन अपॉन वाई की जगह लिखा वी, एक्स अपनी जगह पर है इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमने इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डी वी अपॉन डी एक्स का कोफिशियंट जो है वो वन बनाएंगे। तो उसके लिए इक्वेशन को दो से भाग लगा देंगे, क्वेश्चन को दो से भाग लगा दिया। तो आप ये देखिए डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन दो एक्स इंटू वी इज वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर। इस समय ये इक्वेशन लीनियर है और इसके वेरिएबल क्या है वी और एक्स, तो ये वी और एक्स में लीनियर इक्वेशन बन गई। तो ऊपर से ये लीनियर नहीं थी लेकिन हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से, ये इक्वेशन थी बर्नौली, इसको हमने ये सब्स्टिट्यूशन लगा करके इसको हमने लीनियर में चेंज कर दिया। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है उनको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारी यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है ये v और x में लीनियर बन जाती है। हमारे यहाँ वेरिएबल y और x की जगह क्या हो गए v और x। अब ये लीनियर है क्योंकि
तो इसको हम कंपेयर करें, क्यों है ये लीनियर, क्योंकि ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू टाइप की है, तो p बराबर यहाँ हो जाएगा v का कोफिशियंट 1/2x, ओके, q बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2x स्क्वायर। तो अब ये लीनियर है, तो लीनियर को सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इंटीग्रेशन 1/2x dx, 1/2 log x, और ये हम कल भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में, तो ये हो जाएगा log रूट x और e की पावर, फिर वापस हम वही लगाएंगे कि e की पावर log x इज x, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर log रूट x और ये हो जाएगा रूट x। तो हमारा आई एफ क्या आ गया यहाँ पर, हमारा आई एफ आ गया रूट x, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये इक्वेशन हमारी जब y और x में होती है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वाई इंटू आई एफ, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी v और x में है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, v इंटू आई एफ। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं आगे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा v इंटू आई एफ, देखिए v इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो v इंटू रूट एक्स इज 1/2x स्क्वायर, ये हमारा q है, ये हमारा आई एफ है, तो सिंप्लीफाई किया 1/2 भाग लिया x की पावर -3/2, इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो x की पावर -1/2 है, ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ हो गया और इक्वेशन भी सॉल्व हो गई, v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे -1/√x -1/√x प्लस सी, सिंप्लीफाई किया ओके, और ये जो है आंसर आ गया। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व करना कर क्या कैसे किया जाता है, उनको हम लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन का, ये देखिए 1 - x² dy/dx प्लस xy = xy², यहाँ पर भी देखिए हमारा राइट हैंड साइड पर वाई स्क्वायर है, तो इस वाई स्क्वायर को हम हटा देंगे, लेकिन उससे भी पहले हम dy/dx का कोफिशियंट 1 बना देंगे, तो dy/dx का कोफिशियंट 1 बनाने के लिए 1 - x² से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद आप देखिए अब ये लीनियर तो कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन ये बर्नौलीज इक्वेशन बन गई, बर्नौलीज क्यों बनी, इस वाई स्क्वायर की वजह से। अब हम इस वाई स्क्वायर से दोनों ओर भाग लगा दें, दोनों ओर भाग लगा दिया वाई स्क्वायर से, ठीक है। फिर बीच में आपका बच गया वाई का जो फंक्शन, वो क्या बचा, 1/y को हम v मान लेते हैं, तो अगेन हमारे पास क्या आ जाता है, -1/y² dy/dx = dv/dx, ठीक है। अब हम इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, 1/y² dy/dx की जगह लिख देंगे -dv/dx, ये x/1 - x² हमारा है ही, 1/y की जगह v, और ये हमारा, और ये जो नई इक्वेशन बन गई हमारी dv/dx में, देखिए हमारी नई इक्वेशन बन गई dv/dx में, इस समय अब ये हमारी इक्वेशन लीनियर है, क्यों है लीनियर, v और x में लीनियर है, क्योंकि dv/dx प्लस v है, v का जो कोफिशियंट है x का फंक्शन है, और इक्वल इन टू में जो है वो ये भी क्या है, x का फंक्शन है, तो ये लीनियर है, लीनियर है हमारी ये, तो लीनियर है तो हम क्या करेंगे, इसको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो p हमारा क्या है यहाँ, -x/1 - x², तो इसको हमने इंटीग्रेट किया, हमने क्या किया, इसको 2 से गुणा भाग कर लिया, ठीक है, 2 से गुणा भाग करने से क्या, -2x/1 - x² 1/2, और अपन जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log 1 - x², ठीक है, तो log 1 - x² आगे हाफ है, तो ये अंडर रूट लग जाएगा, e की पावर log√1 - x² और दोबारा से वही e की पावर log x इज x से 1 - x², इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, v इंटू आई एफ, क्योंकि हमारा यहाँ वेरिएबल क्या है, v है, तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू आई एफ, v मीन्स 1/y, आई एफ मीन्स 1 - x² अंडर द रूट इज इक्वल इंटू q इंटू आई एफ, तो q क्या है हमारा, -x, अब देखिए ये रहा हमारा q, ये हमारा q है -x/1 - x², ये रहा हमारा आई एफ, ओके। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये अंडर रूट हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा 1 - x² का,
और ये आपका माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, वन माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, माइनस दो एक्स डी एक्स डी टी एक्स डी एक्स डी टी, तो माइनस एक्स डी एक्स की जगह लिख दिया टी डी टी अपॉन टी, टी से टी कटेगा वन बच जाएगा, एक का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो टी प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल टी को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि टी स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर है इसलिए टी बराबर हो जाएगा अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया वी इंटू वाई एफ यानी कि वन अपॉन वाई इंटू के, ये हम इधर ले आए और ये आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, वन अपॉन वाई माइनस वन नीचे बच गया और ये आपका सोल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर। तो यह बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व करना हमने आज देखा। और बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, कोई इन बर्नौलीज इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन से लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं और लीनियर को सॉल्व करना हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। थैंक यू।